तो क्या आपके इस फैसले की वजह आप पर किसी किस्म का दबाव या खौफ तो नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वासी अहमद को अपने खुश आवाज में अपनी खुशी और रजामंदी से बगैर किसी डर और दबाव से माफ कर देना चाहती। जी ऐसा ही है। अच्छा तो ये बताइए कि आप इस माफी के बदले वासी अहमद से या उसकी फैमिली से किसी किस्म का कसास तलब करना चाहेंगी? जी नहीं, मैंने ये फैसला किसी भी लालच के तहत नहीं किया, बल्कि अपने खुदा की रजामंदी के लिए किया है। और उस मासूम बच्चे को यतीमी के बोझ से बचाने के लिए मैं नहीं चाहती कि वो बच्ची भी इतनी छोटी सी उम्र में बाप की शफकत से महरूम हो जाए। ठीक, यहाँ एक और सिग्नेचर करनी है। अब वो वक्त भी दूर नहीं जब इस बंगले की नेम प्लेट पर वासी विला की जगह इमरान विला हो। कितनी अजीब बात है, जिसकी मौत की तुम्हें ख्वाहिश थी उसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी है। अगर तुम किसी गलत फहमी में मत रहना, तुम्हें वापस बुलाना वासे की ख्वाहिश और मेरी मजबूरी थी, वरना मेरे दिल और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, पर इतना जरूर यकीन है कि बस मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। अकरम। यस मैडम। गेस्ट रूम तैयार हुआ? जी रेडी है। ओके